भारत में एक बार फिर कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है। हर दिन नए नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब दिल्ली ने नए वेरिएंट JN1 की पुष्टि हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के सब वेरिएंट JN1 का पहला केस बुधवार यानी 27 दिसंबर को दर्ज किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 लोगों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इनमें से एक की रिपोर्ट JN1 सैंपल पॉजिटिव पाई गई है। वहीं 2 ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक JN1 के लक्षण सर्दी और बुखार होते हैं। ये माइल्ड होता है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। गौरतलब है कि नया साल आने वाला है, ऐसे में लोग जश्न मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना से सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों से किसी भी तरह का लक्षण दिखने पर कोरोना जांच की सलाह एक्सपर्ट दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में COVID-19 के 529 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 4093 दर्ज की गई है। ठंड और कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट के चलते देश में हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है।